नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वही हो गया। पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली न्यूज आ गई है। दरअसल दोस्तों, अभी हुआ क्या है कि कुछ दिनों से ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन चल रही है। दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करना चाहते हैं। इसराइल ने अभी पिछले हफ्ते ईरान की दूतावास यानी कौंसलेट जो सीरिया में है उसमें एक अटैक किया, जिसमें ईरान को नुकसान हुआ, उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड उसमें मारे गए। अब ईरान के लिए नाक बचाने वाली बात हो गई, उसकी इज्जत पर बात आ गई, तो अब ईरान उसका बदला लेना चाहता है। कैसे भी करके इसराइल को वो हर्ट करना चाहता है। अब इसी सीरीज में समझ लीजिए कि ये अगली घटना घट गई। दरअसल आइए बताता हूँ कि पूरी न्यूज है क्या, हुआ क्या है, इसके इम्पैक्ट और क्या होंगे, भारत पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, भारत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है, ये भी बताता हूँ। दोस्तों दरअसल बात यह है कि भारत कुछ माल मंगाया एक शिप के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा। वो माल आ रहा था दुबई से, यूएई से चलकर वो मुंबई के पोर्ट में माल आना था। वो शिप वहाँ से चला, बीच में एक रास्ता पड़ता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमोज। स्ट्रेट ऑफ हरमोज दरअसल पासेज है, एक रास्ता है, छोटा सा एक गलियारा समझ लीजिए, ये ईरान के पास पड़ता है। वहाँ से वो शिप निकल रहा था, वहीं पर ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं इन्होंने हेलीकॉप्टर से आ करके उस शिप के ऊपर ये गार्ड उतरे और इन्होंने उस शिप पर कब्जा कर लिया। दरअसल दोस्तों उसमें सामान भारत के लिए आ रहा था। वो जो जहाज़ है वो इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उस जहाज़ में जो झंडा लगा हुआ था, जो फ्लैग लगा हुआ था, वो पुर्तगाल का लगा हुआ था। वो पुर्तगाल में वो शिप रजिस्टर्ड थी, लेकिन जो उसका मालिक है उस शिप का वो इसराइल का है। इसराइल का नागरिक मालिक है उस शिप का, लेकिन वो जो शिप है वो रजिस्टर्ड पुर्तगाल में है। सिर्फ इसीलिए ईरान ने उस शिप को हाईजैक कर लिया, उसका अपहरण कर लिया। अब आपको बता दें कि उस शिप में सामान भारत का है और उसमें 25 लोग हैं, यानी कि 25 क्रू मेंबर हैं, जिसमें से 17 भारतीय हैं, इनका अपहरण हो गया है। 17 भारतीय हैं, 2 पाकिस्तानी हैं, 1 रसिया का है, 1 एस्टोनिया का है, 4 लोग फिलीपींस के हैं। समझ लीजिए कि ये सभी लोग को हाईजैक कर लिया है। हालांकि इस पर बहुत ही तेज़ी से मोदी सरकार ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और ईरान की जो लोग हैं, आधिकारिक लोग, उनसे बातचीत शुरू कर दी गई है और बहुत ही जल्दी इस पर एक अच्छा निर्णय आ जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हरमोज, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रास्ता है कि जो टोटल विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन होता है उसका 40% सिर्फ इसी रास्ते से आता है। अब अगर इस रास्ते से आने जाने वाली शिपों को अगर ईरान रोकेगा तो समस्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये समझ लीजिए कि ये ऐसी समस्या हो जाएगी जो इन दोनों देशों को, तो जो प्रॉब्लम आनी है वो आएगी आएगी, लेकिन पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इतनी ज़्यादा महंगाई आ जाएगी कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी, ये इतनी बड़ी समस्या होने वाली है। अब ये समझ लीजिए कि ये अभी छुड़वाया जाएगा शिप को, जो एक एडिशनल काम बढ़ गया, अब वो छुड़वाने में टाइम लगेगा। अब बिजनेस में तो टाइम अब बढ़ ही गया, अब लोग इस रूट को छोड़ेंगे, दूसरे रूट से आना स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दिक्कत तो है, कॉस्ट बढ़ेगी, लोगों को सामान महंगा मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी तो और ज़्यादा परेशानी लोगों के लिए आने वाली है। ये तो दोस्तों ये एक कारण हो गया। अब दरअसल एक दूसरी घटना भी घटी। दूसरी घटना ये घटी कि कल रात में इसराइल के ऊपर एक अटैक हो गया है। इसराइल के ऊपर एक अटैक ऐसा ज़बरदस्त हुआ है कि उसकी हालत ख़राब हो गई इसराइल की। हालांकि उसके जो बचाने वाली कुछ चीज़ें हैं जिसको आयरन डोम बोलते हैं, जो उसका डिफेंस इक्विपमेंट है, इसने काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश करी है, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ और
ये जो अटैक हुआ है ये हिजबुल्ला की तरफ से हुआ है, हिजबुल्ला जो लेबनान में है, लेबनान से ये छोड़े गए मिसाइल जो इसराइल की धरती पर आकर गिरे हैं उससे इसराइल को नुकसान भी हुआ है। दोस्तों अब एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि आखिर ये हिजबुल्ला ने अचानक अटैक कर क्यों दिया, धमकी तो ईरान दे रहा था। दोस्तों खबर की पूरी पुष्टि तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा अपना एक एनालिसिस है क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज फाइनेंस में है, मैं फाइनेंस की समझ ज़्यादा रखता हूँ दूसरे मुद्दों की अपेक्षा। मेरी एक्सपर्टीज जो बोलती है वो ये कहती है कि हमास को इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, हिजबुल्ला इतनी बड़ी कोई चीज़ है नहीं कि वो इसराइल को अटैक कर देंगे और परेशानी कोई बहुत बड़ी खड़ी कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो हिजबुल्ला की कुछ बिजनेसमैन होंगे, इन्होंने देखा कि ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन चल रही है, अगर इस वक्त कोई आक्रमण होगा तो बनी बात है वर्ल्ड में सारे जो स्टॉक मार्केट हैं नीचे गिरेंगे, इनके रेट नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिजबुल्ला ने ऐसा सोचा होगा क्यों ना इसी बीच एक छोटा सा हम आक्रमण कर दें, कुछ मिसाइलें गिरवा दें, वहाँ के बिजनेसमैन लोगों ने सोचा होगा। अगर ये गिर जाती है तो पूरे वर्ल्ड में एक हाहाकार मच जाएगा और स्टॉक मार्केट गिरने लगेगी। अगर स्टॉक मार्केट गिर जाएगी और ये अगर शेयर्स जो इन्होंने खरीद रखे होंगे उसको अगर ये पहले से बेच देंगे, महंगे दाम पे बेच दिए, फिर आक्रमण किया तो मार्केट नीचे जाएगी तो फिर जाके नीचे के रेट पे खरीद लेंगे। बिल्कुल ऐसा समझिए कि मार्केट अभी सोचिए स्टेबल है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल स्टेबल है, आज 100 रुपये की रेट है, सपोज आज 100 रुपये में बेच दिया 100 रुपये में, फिर उसके बाद धमाका किया, अब धमाका कर दिया, आक्रमण किया तो स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगी मतलब जो 100 रुपये का रेट था अब उसके 50 रुपये 60 रुपये सपोज रेट हो गया, अब इन्होंने 60 रुपये में जाके खरीद लिया, फिर से क्या हुआ, 100 रुपये की चीज़ इनको 60 रुपये में नीचे आके मिल गई, मतलब इन्होंने 40 रुपये कमा लिए। जो इनके बिजनेसमैन है उनकी ये थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हिजबुल्ला आक्रमण कर देगा इसराइल का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, हाँ लेकिन आक्रमण करने से लोगों में दहशत जरूर फैल जाएगी, इसलिए स्टॉक मार्केट जो नीचे गिर जाएगा, और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है वो नीचे गिरी भी, हो सकता है कि वहाँ का बेनिफिट ये लोग ले रहे हों, इसमें पॉसिबिलिटी तो है ही है अभी। लेकिन आपको बता दें ईरान ने आक्रमण नहीं किया है, और जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है वो उन्होंने अपनी एडवाइजरी जारी करी है और उनका ये कहना है कि ईरान अगले 24 से 48 घंटे में आक्रमण करेगा इसराइल के ऊपर, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी का कहना है। लेकिन दोस्तों मेरा अभी भी मानना है ईरान के पास इतनी हिम्मत नहीं है, वो अटैक नहीं करेगा, मैं अभी भी यही मानकर चल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ईरान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इसराइल के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि जैसे ही इसराइल के ऊपर अटैक करेगा, यूएसए पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और जो वापस से इसराइल की तरफ से आक्रमण आएगा, जो रिटेलिएशन होगी वो ईरान संभाल नहीं पाएगा, ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, उतनी मिसाइल्स नहीं है उस लेवल की कि वो नुकसान पहुंचा दें। अब अमेरिकन खुफिया एजेंसी का तो कहना यहाँ तक है कि ईरान ने 100 क्रूज मिसाइल तैयार कर रखी आक्रमण करने के लिए, हालांकि इसराइल उससे बच जाएगा, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकन डिफेंस सिस्टम, जो उनकी क्रूज मिसाइल को रोक लेंगे और अपने को सेफ कर लेंगे वो। लेकिन दोस्तों फिर भी ईरान इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर इधर से जब आक्रमण होगा तो ईरान के पास इतने अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट है नहीं, वो जबरदस्ती की अपनी गर्दन किसी के हाथ में नहीं दे देगा ईरान। अभी आक्रमण नहीं होगा, आगे जाके हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी नियर फ्यूचर 10 दिन में नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता कि ईरान ऐसी कोई गलती करेगा अभी, बल्कि मुझे लग रहा है अभी 1-2 महीने भी वो कुछ नहीं करेगा, उसके बाद वो हो सकता है कि कहीं छुटपुट कोई आक्रमण कर दे कि इसराइल का कहीं दूतावास है वहाँ जाके उसने विस्फोट कुछ कर दिया, ये कर दे, इसराइल का कहीं से शिप जा रहा है उसको हाईजैक कर ले जैसे अभी कर लिया है, इसी टाइप की कोई चीज़ें करेंगे ये, बाकी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है।
दोस्तों अगर इस पे कुछ और डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। लेकिन ये दोस्तों इंडिया के लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ है कि हमारे भी 17 लोग हाईजैक हो गए। ऊपर वाले से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सफलतापूर्वक जल्दी से छूट जाएं और वो अपने घर को आ जाएं, अपने कामकाज में वापस से लग जाएं। धन्यवाद दोस्तों।